दोस्तों, क्या आपने कभी किसी विमान से यात्रा की है? क्या आपको उस समय ऐसा सवाल आया है कि किसने की होगी ऐसे हवाई चमत्कार की खोज? और अगर आपको इस सवाल का जवाब राइड बंधु लगता है तो आपकी जानकारी गलत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में और आज आप जानने वाले हैं विमान की खोज के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। शिवकर बापूजी तळपदे सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला और शिल्प विभाग में तकनीकी प्रशिक्षक थे। वो महाराष्ट्र के मुंबई में रहते थे और संस्कृत साहित्य और वेदों का अध्ययन करते थे। अब उनके बारे में बात करने का कारण है कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में मरुत्सखा नाम का एक विमान बनाया था। मरुत्सखा मतलब हवा का दोस्त। हमें पढ़ाए गए इतिहास के अनुसार राइट बंधुओं ने 1903 में पहला विमान उड़ाया था, लेकिन इसके प्रमाण है कि उनसे कुछ साल पहले ही तळपदे जी ने मरुत्सखा विमान को उड़ाया था, जो उन्हें विश्व का पहला विमान चालक बनाता है। अब समय में थोड़ा पीछे जाकर प्राचीन भारत की बात करें तो भारतीय ग्रंथों में विमान प्रवास के कई सारे घटनाएं दी गई है। वो ग्रंथ हवाई जहाज, वैमानिक, हवाई मार्ग, भोजन, कपड़े, धातु, धातु के उत्पादन, युद्धों में उनके उपयोग, साधन और यंत्रों की किस्म आदि के बारे में जानकारी देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रंथ महर्षि भारद्वाज और अन्य ऋषियों द्वारा लिखित यंत्र सर्वस्व ग्रंथ का एक छोटा सा ही भाग है। विमानों के उदाहरण के बारे में बात करें तो आपने रावण के पुष्पक विमान के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि उसमें हजारों लोग एक साथ बैठ सकते थे। बाकी उदाहरण शकुना, सुंदरा, रुकमा, त्रिपुरा आदि है। इन सारी बातों को जानकर क्या आप फिर भी राइड बंधुओं को विमान के निर्माण का श्रेय देंगे? तो आज आपने जाना विमान की खोज के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद।